रहने के बाद भी हम हार गए। जी, जब राहुल गांधी के बारे में ये बातें होती हैं कि वो फेल कर गए हैं और ऐसी ऐसी चीजें हुई, क्यों नहीं लोग पिछली बार जब मनमोहन सिंह जी की सरकार दोबारा आई थी और आज से ये काफ़ी समय पहले की, आज वो अपरिपक्वता की बात जब हम करते हैं, उस समय जब दोबारा मनमोहन सिंह की सरकार आई थी तो हम सारे चैनल और सारे अखबार निकाल दिए, उसमें स्टार कैंपेनर अगर कोई था तो राहुल गांधी थे। So, एक सेकंड, मैं कंप्लीट करूं, कभी भी नहीं सच रहा है। आपकी जानकारी बहुत अक्षुण है इस मामले में, आपको नहीं पता है, आप जाके बैकग्राउंड देखिए और रिसर्च। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आखिरी बार जो उनको क्रेडिट दिया गया उत्तर प्रदेश का दिया गया, दोनों को मैं कंप्लीट कर लूं, करने दीजिए फिर राजित आप रखिए। असहिष्णुता कहीं भी ठीक नहीं। तो अब एकाएक सवाल, क्योंकि ये ना प्लान्ड वे में किसी के इमेज को टार्निश नहीं करना चाहिए, हमें जो अच्छी हमने करी है बातें वो उस पर बात फोकस रखनी चाहिए कि चलो हमारा स्टार कैंपेनर है, दूसरे की गलतियों पे हम बार बार फोकस सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उसको छोटा करने की हम कोशिश करते हैं, और ये चल रहा है माहौल पिछले तकरीबन 5 सालों से। अब मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से जैसा कि हम आपको कह रहे थे, ईवीएम पर फिर से सवाल उठा दिए गए हैं और कांग्रेस कह रही है कि ये ईवीएम जो है बीजेपी ने इनको सेट कर लिया था, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा दिया है और आप देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। कांग्रेस इतिहास है, इस देश का कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसने समय समय पर इसके खिलाफ आवाज न उठाई हो, इंक्लूडिंग बीजेपी। फिर जब लोकतंत्र में अगर ये विश्वास नहीं हो आदमी को कि जहां हम वोट दे रहे हैं वहीं जाएगा, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से और चुनाव आयोग से भी कि जब सारे राजनीतिक दल इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो बैलेट पर आने में आपको तकलीफ क्या है? देखिए सुधीर जी, मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए 1971 में इंदिरा गांधी थंपिंग मेजोरिटी से जीत के आई थी, वहाँ भी एक महागठबंधन में था जिसमें जनसंघ, सोशलिस्ट, कांग्रेस होते, तब बैलेट पेपर पर बहुत बड़ा सवाल उठा था और कोर्ट में मामला गया था, कहा गया था कि बैलेट पेपर में एक केमिकल का यूज हुआ है जो कि विपक्ष को जो वोट मिला वो कांग्रेस से चला गया। देखिए अविश्वास के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है, जीत को का सम्मान करना और हार में आत्मविश्वास नहीं खोना, ये लोकतंत्र का लक्षण होता है। इस वैशिष्ट को जब आदमी छोड़ देता है तब इसी तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं, ऐसा करके आप जनादेश का अवमूल्यन कर रहे हैं। आप ईवीएम पर सवाल नहीं कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता की का जो कलेक्टिव कॉन्सेंस है उसको छोटा बिलिटिल करने की कोशिश मोहन प्रकाश जी आप कर रहे हैं। तो इस लॉजिक से वहां पर जो 67 सीट्स कांग्रेस को मिला है तो वहां पर भी कांग्रेस ने ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ किया होगा। नहीं तो इतना शक नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए 67 दे दिया है। क्यों सर्वेश तिवारी? नहीं नहीं, मैं खुद इसका विरोधी हूं, मैं पर्सनली नहीं चाहता क्योंकि ये बहुत तरीके से जांच के परख के तब ईवीएम आता है, तो अगर कोई सवाल उठाता है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, प्रेम शुक्ला के पास चलते हैं। शुक्ला जी, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे ईवीएम पर सवाल उठाने का जो शुभ मुहूर्त है वो अब स्टार्ट हो गया है, बहुत देर से आया है जी, ये सुबह से ही क्यों नहीं कहना शुरू किया? ये एक इनके कांग्रेस के प्रथम परिवार के दामाद तहसीन पूना वाला है, आपके चैनल पर सुबह बैठे थे, उन्होंने कहा था अगर हम जीते तो ये लोकतंत्र की जीत होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो ईवीएम की जीत होगी। और मोहन प्रकाश जी ने जैसे ही चुनाव परिणाम स्पष्ट हो गए तत्काल उन्होंने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया, तो ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो अवसाद में चली गई है पार्टी, उसको चुनाव जीतने का पूरा कौशल समाप्त है, उसकी नीतियों को जनता ने पहचान लिया है, वो बेपर्दा हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, इसलिए वो ईवीएम के अलावा किसका वोट ले सकते हैं? तो उन्होंने ईवीएम की वोट ले ली, कम से कम जो है हम अब एक मोरली जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसे कह सके कि तुम नहीं हारे हो, हमारी नीतियाँ नहीं हारी हैं, राहुल गांधी नहीं हारे हैं, राहुल गांधी को हटाने की बात मत करना, ईवीएम हटाओ, राहुल गांधी को बनाए रखो। ये एक इंपॉर्टेंट अद्वैता हमारे साथ हैं। अद्वैता, हाउ डू यू टेक दिस ईवीएम? ईवीएम पर आई थिंक प्रॉब्लम हर बार हो सकता है, अगले साल लोकसभा चुनाव में भी ऐसे हार गए हैं, ये जानकारी न्यूज़ मिल रहा है, चामुंडेश्वरी क्षेत्र में सिद्धरमैया जी का हार हुआ है। अच्छा, और दूसरी बात एक और चीज है एक और चीज है, मैं कलबुर्गी से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मुसलमान के कम्युनिटी के लोग बहुत हैं। हमारे यहाँ 3 सीट है, कलबुर्गी नॉर्थ, कलबुर्गी साउथ और कलबुर्गी रूरल, तीनों सीटों में अभी भाजपा का जीत हो रहा है और एक सीट
मतलब जो कलबुर्गी नॉर्थ है वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, वहां पर या तो मुस्लिम कैंडिडेट जीतेगा या तो कांग्रेस जीतेगा, ऐसा परंपरा था। अभी अभी आंकड़े जो बता रहे हैं वहां पर के जो बीजेपी के कैंडिडेट है वहां वो 5000 वोट से आगे है। तो ये जो जो माहौल है देश में बनाया गया है कि बीजेपी इज एंटी मुस्लिम पार्टी, बीजेपी इज मतलब वो एक प्रोपोगंडा है, ऐसा नहीं है। और एक छोटी बात है, ये लोग बोल रहे थे कि बीजेपी इज ओनली हिंदी हार्टलैंड पार्टी है और वहां पर कर्नाटक में लोग ये भाषा नहीं समझते हैं। कुछ लोग आप भी कह रहे थे कि कर्नाटक सिर्फ इडली डोसा का क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। कर्नाटक के लोग बहुत अच्छे हिंदी बोलते हैं। मैं कर्नाटक का हूँ, मैं इतनी अच्छी हिंदी बोल पा रहा हूँ। हम हिंदी इतने अच्छे बोल लेते हैं, हिंदी साहित्य के भी हम इतना आदर करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो छवि है ना, जो राष्ट्रवाद का छवि है, इस छवि इस जीत की एक बहुत बड़ी नतीजा है। ये स्थिर सरकार बनाने का तो है ही, मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि 113 सीट अभी आ रहा है, 5 साल तक भाजपा का सरकार रहेगा। और मैं भी ये भी आशा करता हूँ, भाजपा से ये विनती है कि जो 2008 में जो गलती हुई थी ये दोबारा नहीं होना चाहिए। 5 साल में आप 3 CM बदल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आपके जो मैनिफेस्ट, आपके जो मैनिफेस्टो में ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल कांग्रेस गवर्नमेंट में जो मंदिरों के जो पैसे थे, मंदिरों के जो एंडोमेंट पैसे थे वो मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो बीजेपी का मैनिफेस्टो यह कहता है कि जो मंदिरों का पैसा है सिर्फ मंदिरों को इस्तेमाल किया जाता है, मंदिरों की अभिवृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और 26 RSS कार्यकर्ताओं की हत्या हुई कर्नाटक में इस दौरान, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। ठीक है संजय जी, अद्वैत 26 RSS कार्यकर्ताओं के बारे में बताया है, तो मूड बिद्री जो है जहाँ प्रशांत पुजारी की हत्या हुई थी बहुत उनके पिताजी के सामने बिल्कुल पब्लिक में, तो वहाँ पे पहली बार बीजेपी की कैंडिडेट की जीत हुई है। और ये बहुत बड़ी राजनीतिक हिंसा के खिलाफ एक वोट है, क्योंकि वहाँ के लोकल मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर हैं, वो प्राइम अक्यूज के साथ स्टेज पे दिखे थे और फोटोग्राफ्स वहाँ की घूम रही थी, कांग्रेस के मंत्री थे। और ये जो किलिंग हुई थी प्रशांत पुजारी की, उसमें उनके परिवार इतनी दुखी हो गए थे क्योंकि जस्टिस तो मिला ही नहीं, पर उसके ऊपर ये हुआ। तो ये जो जीत वहाँ पे हुई है ये राजनीतिक हिंसा के खिलाफ वोट है। सिद्धरामैया ने कहा अभी 2 दिन पहले कहा कि येडियुरप्पा जो है वो मेंटली अनसाउंड है, ये कहा उन्होंने येडियुरप्पा के बारे में कि ये तो अलग बात है कि उन्होंने कहा ये भ्रष्ट है, ये है, वो है, जेल बर्ड है, बहुत कुछ कहा। लेकिन राहुल गांधी ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस की कैंपेन जो है वो लोडाउन नहीं थी, पर्सनल नहीं थी, जैसे आपने ये भी कहा था अपने शो में। लेकिन पर्सनल को तो एक एक्सट्रीम पर्सनल लेवल पर सिद्धरामैया जी ले गए थे, येडियुरप्पा को बहुत कुछ कहा उन्होंने, यहाँ तक कि मीडिया भी सोच रही थी कि ये एक वीक स्पॉट है। मैंने आपके शो में भी कहा कि ऐसे लग रहा था जैसे येडियुरप्पा वीक स्पॉट है क्योंकि वो कुछ कह नहीं रहे थे। लेकिन अगर आप अब देखें सिद्धरामैया जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार रहे हैं, लेकिन येडियुरप्पा और सेंट्रल कर्नाटका में इतनी भारी भरकम जीत हुई है, जहां पर येडियुरप्पा का स्ट्रॉन्ग वोट माना जाता है वहां पर बीजेपी इज डूइंग वेरी वेरी वेल। तो मुझे आप बताइए कि मीडिया जो है वो इतनी गलत रीडिंग कैसे कर गई येडियुरप्पा के बारे में, और सिद्धरामैया को जो इतना उठाया था मीडिया ने कि ये बहुत ही ब्रिलियंट चीफ मिनिस्टर है, उनकी कैंपेन बहुत अच्छी है, हम लोग भी मात खा गए इसमें ये देखने के लिए कि जो सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चला वो ऑन द ग्राउंड लोग ऐसा नहीं ट्रेंड कर रहा था, लोगों ने सोचा जो ट्रेंड कर रहा है वो। जी रजत, देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो मुझे लगता है कि जो पूरा तेलुगु पॉलिटिक्स जैसे अनफोल्ड कर रही थी कर्नाटका के इलेक्शन के जस्ट पहले, कि चंद्रबाबू नायडू जी ने विड्रॉ किया सपोर्ट और भयानक कैंपेन किया थ्रू आउट कर्नाटका इलेक्शन, पूरा हैदराबाद कर्नाटका बेल्ट में वो अपने, इनके 2-3 टीवी चैनल्स हैं आंध्रा के थ्रू, लगातार रिले कर रहे थे, तेलुगु वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। इवन बेंगलुरु में भी 30% वोटर तेलुगु वोटर्स आइडेंटिफाई करता है तेलुगु भाषा से। ये समझना होगा कि पूरा हैदराबाद कर्नाटका बेल्ट जो कि गढ़ है, खड़गे जी भी वहीं से आते हैं, वो पूरा बेल्ट में बीजेपी ने डोमिनेट किया है। तो इससे तेलुगु पॉलिटिक्स पे जबरदस्त इन्फ्लुएंस पड़ेगा दोनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, पूरा खुल गया है साउथ इंडिया। एक और क्षेत्र है सेडम, 60 साल के इतिहास में भाजपा एक बार भी नहीं जीती है, सिर्फ एक बार जीती है वो सिर्फ शायद 13 महीने के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब केंद्रीय कृषि मंत्री जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, वोटों की फसल लहला रही है बीजेपी की कर्नाटक में, हेलो जी मेरी आवाज आ रही है गजेंद्र जी?
हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, नॉट लाउड जी। हम आपसे कह रहे थे कि आप कृषि मंत्री हैं और कर्नाटक में आपकी बम्पर फसल हुई है इस बार। हेलो, हम शेखावत जी के पास दोबारा चलेंगे, हमारी आवाज जी रजत जी जी जी। तो सेडम एक क्षेत्र है, वहां पर एक बार भी बीजेपी नहीं जीती थी, एक बार जीती थी 1980s में, वो भी वो कैंडिडेट की वजह से जीती थी। अब बीजेपी वहां पर 7000 वोट से जीती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब विश्लेषण आप जनता को समझाइए संजीव, कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट्स जो हैं वो बीजेपी को जा रहे हैं, उन इलाकों में जहां आप सोच भी नहीं सकते बीजेपी आएगी वहां बीजेपी आ रही है। आपने बताया कि तेलुगु के जरिए जो है वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की, इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि 2014 से जो केंद्र में सरकार बनी है उसके बाद मतलब अलग अलग राज्यों में जैसे भाजपा ने सरकार बनाया है और ये एक पूरा माहौल है ना देश में, जो अभिवृद्धि विकास, एक स्थिर सरकार, स्थिर देश और भारत का जो इमेज है पूरा विश्व स्तर पर। एक जो रजत तेलुगु की बात कही, देखिए भारत में सब नेशनलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है और ये मानकर चल रहे हैं ये पार्टियां कि एक सब नेशनलिटी उपराष्ट्रीयता के आधार पर वोट को प्रभावित करेंगे, एक रिजेक्ट ये हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा मेटा नैरेटिव है, लिंगायत कार्ड सबसे बड़ा कार्ड था जिसने बाहर के भी मीडिया को प्रभावित किया कि शायद बीजेपी लूज कर जाएगी। लिंगायत कार्ड पूरी तरह से विफल हो गया है, लिंगायतों ने कांग्रेस की उस रणनीति राजनीति को अस्वीकृत कर दिया जो रणनीति राजनीति का उद्देश्य लिंगायत का सशक्तिकरण करना नहीं होकर हिंदू समाज को तोड़ना था। एक तीसरी बात, मुसलमानों में नैरेटिव चेंज हो रहा है, जो अपर लेवल के मुसलमान हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स में बीजेपी आरएसएस से नफरत करते हैं, जो जमीन का मुसलमान है जो अपने आप को विकास से, आर्थिक नीतियों से और एक राष्ट्रीयता से जोड़ना चाह रहा है, मुझे लगता है कि जो नेशनलिज्म का बीजेपी का नैरेटिव है वह नैरेटिव आज सेंटर स्टेज ले रहा है, जो कांग्रेस का और बाकी लेफ्ट लिबरल्स का नैरेटिव है वो हाशिए पर जा रहा है। वैसे आपको एक सिद्धारमैया का ट्वीट पढ़ के हम बता देते हैं, दो दिन पहले सिद्धारमैया ने ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा था, सो डियर पार्टी वर्कर्स सपोर्टर्स एंड वेल विशर्स, डोंट वरी अबाउट एग्जिट पोल्स, रिलैक्स एंड एंजॉय योर वीकेंड, वी आर कमिंग बैक। ऐसा दो दिन पहले सिद्धारमैया ने कहा था, एंजॉय। अब लगता है काफी लंबा जो सरकार के मिनिस्टर्स थे जो इस लिंगायत इशू को ज्यादा मतलब प्रोपोगेट कर रहे थे, जैसे कि विनय कुलकर्णी है और सेडम के डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल है और जो एमबी पाटिल है जो इरिगेशन मिनिस्टर थे, वो सब हार गए। अभी शरण प्रकाश पाटिल हैज लॉस्ट, विनय कुलकर्णी हैज लॉस्ट, एमबी पाटिल इज एट द वर्ज ऑफ लूजिंग। स्मिता प्रकाश, आप बताइए, बार बार एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नहीं है, बार बार ये कहा जा रहा था, कहां मिस रीडिंग हो गई? एंटी इनकम्बेंसी का एक वेव एक जगह नहीं दिख रहा था, इसीलिए जब लोग ग्राउंड पर जाते हैं, और मैं ये शुरू से कह रही थी कि स्मिता, हां एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, हम बहुत लंबे टाइम से हमने ब्रेक नहीं लिया है और बगैर ब्रेक के हम आपको ये आकलन दिखा रहे थे, 112 अभी बीजेपी सरकार बन चुकी है लगभग, कर्नाटक में बीजेपी की धमक, ये गेटवे है साउथ, ऐतिहासिक जीत आप इसे कह सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना चाहिए, लौटेंगे जल्दी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब वक्त आ गया है उनके फेयरवेल का, ये राहुल बाबा यहां से सीधे मानसरोवर जाने वाले हैं। पंद्रह मई के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहेगी, अभी ये आया है बहुत दिनों के बाद आया है और फुल मेजॉरिटी के साथ आया है। आज पूरा मोदी सुनामी है,
आज का दिन पूरे कर्नाटक की जनता के प्रति हमारी कृतज्ञता का दिन है जिन्होंने बीजेपी के इस युगांतकारी विजय को विश्वास के साथ पूरा किया है। अगर पार करोगे तो मोदी है लेने के चेने पड़ जाएंगे। तो घड़ी में सीधे 12 बजे हैं, ठीक 12 बजे हैं इस वक्त, और कांग्रेस पार्टी के भी 12 बज गए हैं कर्नाटक में। और जो नतीजे इस वक्त रुझान हमारे पास जो आ रहे हैं आप अपनी टैली पर देख सकते हैं, 112 सीटें बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 69 पर, जेडीएस 39 पर और अदर्स 2 पर। इसका मतलब ये है कि बीजेपी अपने दम पर कर्नाटक में सरकार बना रही है और ये एक ऐतिहासिक फैसला है। कर्नाटक में बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, ज़्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए, ज़्यादातर जो विश्लेषक थे वो गलत साबित हुए। और आज हम जी न्यूज़ के स्टूडियो में बैठकर आपको ताज़ा नतीजे तो बता ही रहे हैं लेकिन आपको साथ में ये भी बता रहे हैं कि ये नतीजे आखिर आए क्यों और जब ये हवा चल रही थी तो ये हवा आप तक क्यों नहीं पहुंची, इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नक्शे के जरिए अब आप ये देखिए कि इस चुनाव के बाद आपका देश यानी भारत कैसा दिखेगा और भारत कैसे अपने रंग बदल रहा है वो आपको नक्शे के जरिए हम बताना चाहेंगे, जिसमें आप देख पाएंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों में अब कितने राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी है, ये अभी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे साथ ये देखिए, ये पूरा भारत दर्शन इस नक्शे के जरिए आप कर सकते हैं और जहां जहां आपको ये नारंगी रंग दिखाई दे रहा है इसका मतलब है बीजेपी। और इसीलिए हमने हैशटैग मोदी के साथ, ये हैशटैग का इस्तेमाल आप कीजिए मोदी के साथ देश, और इस पर अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये नक्शा दिखा रहा है जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं, कांग्रेस मुक्त होता हुआ भारत आपको इस नक्शे में दिख रहा है। कर्नाटक का एक और उसमें एड ऑन है, आप देखिए जहां जहां ऑरेंज रंग नजर आ रहा है आपको वहां बीजेपी की सरकार है, लगभग 69% आबादी पर अभी बीजेपी राज कर रही है, 69% ये आंकड़े हैं। और 222 में आप देखिए 112 बीजेपी सरकार बनाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। यहाँ खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अद्वैत, इसका मतलब क्या है 2019 के लिए, आप इसे आप मानेंगे कि स्टेज इज ऑल सेट नाउ फॉर 2019? ऑल सेट, आई थिंक मे बी इवन एन अर्ली पोल हो सकता है। यही हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक में कि चांसेस क्या है कि मई 2019 से डेट शिफ्ट होके एंड ऑफ द ईयर, तो हो सकता है कि ये हम ओनली अर्ली पोल भी देखें क्योंकि ये जो मोमेंटम जो बीजेपी को इस विक्ट्री से मिला है, क्योंकि आपको याद रखना है कि दिस इज ऑल्सो एन एंट्री एंड अ गेटवे इनटू द साउथ, और जो ये रेप्यूटेशन थी कि आप नॉर्थ इंडियन पार्टी हैं और ये रेप्यूटेशन को एक्सप्लॉइट भी किया सिद्धरमैया जी ने, उन्होंने नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन का डिवाइड भी ऊपर उठाया, वो भी डिमोलिश हो गया है इसके साथ। सो आई थिंक ये मोमेंटम जो उन्हें मिला है, एंड इन पॉलिटिक्स इज अबाउट मोमेंटम एंड टाइमिंग, तो हो सकता है कि हमें अर्ली पोल दिखे। अच्छा, ये जो अंग्रेजी अखबार के थ्रू एक नोशन सेट करने की कोशिश होती है जिसकी बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये कहा जाता है अरे भाई इट इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, आप देख रहे हैं लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, बार बार आपको सुनने में मिलता है लोकतंत्र खतरे में। सिर्फ अखबार ही नहीं, किताबों में भी पढ़ते हैं कि, और प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, बीजेपी भी खुद कहती है, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हमेशा लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही इस मुल्क में ऑपोजिशन बने, और भी तो बन सकते हैं, और भी तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्यों ऐसा है कि कांग्रेस, और वो भी कांग्रेस में गांधी परिवार ही इस मुल्क में या तो ऑपोजिशन में रहेगी या फिर रूलिंग पार्टी रहेगी? ये कोई तय तो नहीं था जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमारा मुल्क बना था, कि गांधी परिवार का ही रोब रहेगा इस मुल्क में, चाहे ऑपोजिशन में या सरकार में। तो अब ये जो फ्रेगमेंटेड ऑपोजिशन है, अगर ये यूनाइट होते हैं एंड इफ दैट इज एन ऑल्टरनेटिव, तो क्यों नहीं? ये जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी ही रहेंगी और इस
इलेक्शन में एक बार फिर, पता नहीं कितनी बारी ये सिद्ध करना पड़ेगा कि राहुल गांधी इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन हारते हैं और ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है इस मुल्क के लिए, नहीं है ऑपोजिशन के लिए, ये ना तो दिल्ली की कुछ मीडिया हाउसेस समझती हैं और ना ही हमारी। एक सेकंड प्रोफेसर सिन्हा, रजत आपने सुना, स्मिता आपको भी इस पर ध्यान आपने दिया हो तो, जब वहाँ कार्यकर्ता मौजूद थे कांग्रेस दफ्तर में, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं राहुल गांधी बने, लेकिन अब काम करने के लिए प्रियंका गांधी को आना पड़ेगा। आज तक प्रियंका, मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर चॉइस की बात है, मुझे आप बताइए, जब से प्रियंका गांधी का नाम उठा है, क्या प्रियंका गांधी ने अपने परिवार के अलावा किसी के लिए कैंपेन किया है आज तक? मतलब आप कांग्रेस में क्यों आप समझते हैं कि प्रियंका गांधी कुछ कर सकती हैं देश के लिए, जब उन्होंने अपने पार्टी के लिए ही कुछ नहीं किया, सिर्फ राहुल गांधी के लिए, सोनिया गांधी के लिए कैंपेन किया है, जो हमेशा कहती आई है कि ये मेरे परिवार के लिए मैं कैंपेन कर रही हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आता क्यों प्रियंका गांधी का जिक्र बार बार, कम से कम राहुल गांधी सिद्धरामैया के लिए तो कैंपेन करने के लिए आए थे, लेकिन प्रियंका गांधी आज तक किसी के लिए आई है? रजत देखिए, मुझे लगता है जो ये लीडरशिप का इशू एक रिजॉल्व माना जा रहा था कि अब राहुल गांधी ही सब कुछ हैं, मुझे लगता है वो अंदर से एक खलबलाहट जो है लीडर्स की, सेकेंड टीयर लीडर्स की, अब दोबारा सरफेस करना शुरू करेगी। और मुझे लगता है जो लीडरशिप क्वेश्चन है अभी तक सेटल नहीं हुआ है कांग्रेस का, और हो सकता है अगर थोड़ा भी इन लोगों को एक भी विद्रोह की एक आँच चालू होती है तो वो एक वाइल्ड फायर का स्वरूप लेगी। कांग्रेस में जब तक की लीडरशिप जमीन से उठे हुए लोग नहीं आएंगे, तब तक इस पार्टी का कुछ नहीं हो सकता है। विद्रोह के लिए सबसे सही समय है कांग्रेस, बिल्कुल सही है। मैं बता सकता हूँ कई ऐसे सेकेंड रंग लीडरशिप है इमीडिएटली गांधी फैमिली के नीचे जो त्रस्त हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं, और वो सब वेल मीनिंग वेल इंटेंशन लोग जो कि एक ऑपोजिशन देना चाहते हैं। इसमें विडंबना क्या है कि बिना इस परिवार का कांग्रेस का अस्तित्व, अब बिना उस संगठन के बोझ को लेकर इस परिवार का अस्तित्व नहीं है। अभी ये एक तरह से आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन की तरह कांग्रेस चल रही है, चूँकि कोई विपक्ष की पार्टी नहीं आ पा रही है तो रूलिंग पार्टी को भी किसी को सामने रखकर चुनाव लड़ना पड़ता है। डेमोक्रेसी में बिना किसी को सामने काल्पनिक आधार पर लड़ नहीं सकते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को भी राहुल गांधी को कांग्रेस को सामने रखकर चुनाव लड़ना पड़ता है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है, नेशनल पार्टी का जो परमिट है ना वो और किसी के पास है ही नहीं, तो वो परमिट क्योंकि उन्होंने पहले से ले लिया था 70 साल पहले ही, वो परमिट उनको चल रहा है और परमिट राज अभी भी चल रहा है। अब किसी के पास लाइसेंस ही नहीं है सुधीर जी, नेशनल पार्टी का तो कोई आ नहीं सकता, सुधीर जी बाकी सब रीजनल है। एक आपने सवाल उठाया था अंग्रेजी मीडिया का, देखिए अंग्रेजी मीडिया ने क्या नैरेटिव सेट किया, कुछ बायपोल्स को स्टेट और नेशनल लेवल के इलेक्शन के समानांतर खड़ा कर दिया। बायपोल्स में हार जीत होते, मैं ये नहीं कहता बीजेपी जीती तो हर चुनाव बीजेपी जीतेगी ही, चार चुनाव बीजेपी हार सकती है, किसी राज्य में बीजेपी हार सकती है, लेकिन किसी एक हार को सामने रखकर पूरे नेशनल परिदृश्य को डिफाइन करने का जो नेशनल मीडिया काम करती है, इसके कारण उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत जा रही है, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं नेशनल कॉन्शसनेस से, एक नेशनल मूड से अंग्रेजी मीडिया डिस्कनेक्ट हो रही है और उनको इस बात का परहेज नहीं है। आप एक बार देखिए अंग्रेजी मीडिया यहाँ का और न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्जियन, दोनों की रिपोर्टिंग का नेचर एक जैसा है। तो एक जो यह जो रूट बन रहा है मेट्रोपॉलिटन रूट बन रहा है कि नई दिल्ली का एलीट और न्यूयॉर्क और लंदन में बैठा हुआ एलीट जो मोदी विरोधी, इस देश के राष्ट्रवाद के नैरेटिव का विरोधी है, यह हकीकत देश के सामने आ रहा है। अच्छा शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? He is getting wired. Yes, I think. He was the first one. हालांकि उन्होंने शाहनवाज हुसैन साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आवाज सुन रहा हूं मैं। शाहनवाज हुसैन साहब, सबसे पहला जो बयान है आज जब इलेक्शन की कवरेज हमने शुरू की थी तो आप ही का चलाया था, उस वक्त तो रुझान भी नहीं आए थे, सुबह 6:30 बजे की मैं बात बता रही हूं, तब आपने कह दिया था ट्रेंड्स बता रहे हैं कि बीजेपी जीतने वाली है, उस वक्त आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी हुई थी शायद। नहीं ट्रेंड्स नहीं कहा, वो एनआई ने मुझसे बयान लिया था। हाँ। और हमने कहा था कि जो माहौल है जो ट्रेंड है वो बता रहा है, वो गिनती का ट्रेंड नहीं कहा था, हम जीतेंगे ये हमने जरूर कहा था। वो एनआई ने हमसे बयान लिया था, मैंने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि 130 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, ट्रेंड तो शुरू में हमारे खिलाफ ही थे, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंस हैं, भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट थी कि हम चुनाव के मैदान में अपने कार्यकर्ताओं का जो सर्वे था जो रिपोर्ट था उसके आधार पर
हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें क्या शक है। तो हमने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 130 सीटें बताई थी, जब पूरे नतीजे होंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम और आगे बढ़ेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर ज़रूर 113 दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हम इससे भी आगे बढ़ेंगे जी। तो शाहनवाज जी, अब आपको लगता है कि अब स्टेज एकदम सेट है अगले लोकसभा चुनाव के लिए, आपके लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, आपको ऐसा लगता है अब लोकसभा चुनाव थोड़ा जल्दी करा लेना चाहिए, माहौल बना हुआ है आपके पक्ष में? एक चीज मैं और बता दूं कि 2019 में भी हम पहले से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे, कांग्रेस को 2024 की तैयारी करनी चाहिए। अब ये देश जो है ना टीवी स्क्रीन पर नहीं, देश के लोगों के दिमाग में ये बात ट्रेंड कर रही है कि 2019 के लिए कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल इकट्ठा हो जाए, कितने जिनकी एक एमपी की पार्टी, दो एमपी की पार्टी, जिनके जीरो एमपी है वो पार्टियां, जो पार्टी बनी भी नहीं है, चुनाव आयोग ने जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उसके भी नेता जो दावा करते हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएं, तब भी देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ इकट्ठी है, एकजुट है। देश की जनता ने तय किया है कि हम ऐसे व्यक्ति को फिर से प्रधानमंत्री देंगे जो गरीबों के लिए काम कर रहा है, जिसने 3.5 करोड़ घर में उज्ज्वला दिया है, जिसने 7 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, जिन्होंने करीब 18 करोड़ लोगों को जीवन रक्षा कवच दिया है, और जिन्होंने मकान का वादा किया है और मकान 1 करोड़ बनाए हैं। तो आज देखिए लोग जो काम करेगा, हमें मौका मिला है तो 4 साल में हम लोगों ने काम करके दिखाया, शाहनवाज जी को मौका मिला तो गंवा दिया। शाहनवाज जी, हम जनता के लिए, गरीब के लिए काम करते हैं, आप अपने लिए काम करने लगते हैं। आमतौर पर जो बीजेपी की छवि है, काम करेंगे तो गरीब के दिल में जगह बनाएंगे। आमतौर पर गरीब को लगता है कि गरीबों का एक मसीहा है जो गरीब की चिंता करता। आज भी आजादी के इतने साल बाद कांग्रेस ने हुकूमत करने के बावजूद आज वो सत्ता से दूर क्यों है? क्योंकि जब मौका मिला तो आपने मौका गंवा दिया। नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला तो उस मौके को पूरा किया, और आज भी दिन रात बिना छुट्टी लिए हुए अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया हुआ है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष दो को बधाई होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर बूथ पर एक समिति बनाई, ट्वीट जो है बूथ अध्यक्ष की मीटिंग की, हर बूथ जीतो देश जीतो, ये माहौल बना के चुनाव में गए। अमित शाह जी की मेहनत के जितना मेहनत कोई नहीं कर सकता, और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व कोई नहीं दे सकता। जी जी जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि बीजेपी की छवि ये है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, प्रो हिंदू पार्टी है, और मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। लेकिन इस बार कर्नाटक में हमने ये देखा कि जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है, अच्छा। या जीत रही है, बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स में। बीजेपी का तर्जुमान शाहनवाज हुसैन है और बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है, कैसे कह सकते हैं आप बीजेपी के प्रवक्ता से ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी? मैं तो आपकी छवि की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ आपकी छवि ऐसी है। मैं गया था कर्नाटका के हैदराबाद, कर्नाटका की तरफ, बीदर, अफजलपुर और गुलबर्गा की तरफ, जहाँ ख्वाजा बंदा नवाज साहब की दरगाह है, और वहाँ जो हमने रिस्पॉन्स देखा, आप मेरा ट्वीट निकाल के देखिए, बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी थी, हजारों लोगों की हमने सभा की, अकलियत के इलाके में। हर किसी को लगता है कि नरेंद्र मोदी सबका साथ सबके विकास के रास्ते पर चलने वाले हैं। इसी बार रमजान से, अभी रमजान आने वाला है, नरेंद्र मोदी जी ने रमजान के मुबारक महीने का जिक्र मन की बात में किया। हम सबको लेके चलते हैं, नरेंद्र मोदी के चश्मे से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, उनको सब हिंदुस्तानी दिखते हैं। हम उज्ज्वला लाते हैं तो सबके लिए लाते हैं ना, हम कहते हैं कि ये मुस्लिम को मिलेगा या हिंदू को मिलेगा। हम अगर पेंशन बढ़ाते हैं तो सबके लिए बढ़ाते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी ने 7 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं तो उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज को आबादी से ज्यादा मिला है, क्योंकि कांग्रेस ने मुसलमानों को इतना गरीब कर दिया कि वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो जो भी योजना नरेंद्र मोदी जी बनाते हैं गरीब के लिए, उसका बहुत बड़ा फायदा दलित समाज को होता है, पिछड़ों को होता है। कर्नाटक के चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, और 2019 के चुनाव प्रचार में समय है। नरेंद्र मोदी जी की किस्मत में है कि इनकी किस्मत संवारे, तो नरेंद्र मोदी जी को ताकत मिली है, तो अपने कलम से उनकी तकदीर लिख रहे हैं, तस्वीर बदल रहे हैं। विजय गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। विजय जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बदलेंगे, अच्छी सुबह रही आपकी कर्नाटक में। आप 130
आपके अध्यक्ष कह रहे थे 130 सीटें जीतेंगे, पर अभी 111 पर आप आगे हैं, लेकिन सरकार आप अपने दम पर ऐसा लग रहा है कि आप बना लेंगे। लग नहीं रहा है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू से इस विश्वास को व्यक्त किया था और वो विश्वास कर्नाटक की जनता के कारण था। सबसे बड़ी बात यह है कि दीवार पर जो लिखा हुआ है कि लोग आज डेवलपमेंट को, लोग आज विकास को पसंद कर रहे हैं, लोग नए विजन को पसंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज हमारे लिए काम नहीं कर रहे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही कर्नाटक की जनता ने भी देखा कि सारे देश के अंदर, जो सब राज्यों के अंदर मोदी जी का विकास रथ घूम रहा है, तो क्यों ना कर्नाटक के अंदर भी घूमे। तो लोगों ने मोदी जी पर भरोसा जिताया है, मोदी जी के विचारों पे भरोसा जिताया है और मोदी जी के विकासों पे भरोसा दिलाया है। तो ये बात मीडिया को और विपक्षी पार्टियों को समझ नहीं आ रही थी, पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहली दिन कह दिया था कि हम अपनी ताकत पर, अपने बहुमत से सरकार को बनाएंगे। अच्छा विजय गोयल साहब, ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया, लेकिन चेहरा तो येडियुरप्पा थे वहां पर, उन पर भरोसा नहीं जताया है। देखिए, ये कभी भी नहीं होता, ये टीम वर्क होता है और इस टीम के नायक हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी। उसके बाद वो अपने टीम के मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, तो कंबाइंड के अंदर जाता है। हर स्टेज के ऊपर जहां मोदी थे वहां येडियुरप्पा जी भी थे। तो मैं समझता हूं कांग्रेस ने अपनी सारी राजनीति करके देख ली, जाति की राजनीति करी लिंगायतों के ऊपर, अब शब्दों का इस्तेमाल किया, मनमोहन सिंह जी को भी मैदान में उतार दिया ये कहने के लिए कि वो नरेंद्र मोदी जी पर वार करें, सोनिया गांधी जी तक को उतारा, पर उन्होंने एक चीज नहीं देखी। अगर आपकी सरकार ने 5 साल विकास के काम किए नहीं और केवल भ्रष्टाचार किया, तो जनता तो फिर आपको सत्ता से उतार ही देगी ना। जी विजय जी, एक सवाल आपसे ये है कि अब सब बढ़िया चल रहा है, आपने बता दिया कि देश में आपकी लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव पहले करा लेना चाहिए? मान लीजिए इस साल के अंत तक आपके लिए माहौल बढ़िया है तो पहले भी हो सकता है। देखिए, मोदी जी की सरकार को 4 साल हो गए हैं और हर समय उनका माहौल अच्छा था, क्योंकि इन 4 सालों में इस देश के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो चुनाव होता रहता है और लगभग वो चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मैं समझता हूँ जल्दी चुनावों की कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं है, लोग लगातार काम पसंद कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। जी राहुल गांधी के लिए आपका क्या संदेश है? नहीं नहीं, राहुल जी को और अधिक मेहनत करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा वो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें तो फिर कुछ बात कभी जाकर बनेगी। जी विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राहुल गांधी ने कहा था, People will tell Prime Minister Modi, we gave you 5 years, 4 years are done, you haven't delivered. First he will be driven out, भगा देंगे कर्नाटका से, उसके बाद MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और फिर इंडिया से भगा देंगे। अब मुझे बताइएगा कि भगाने वाली बात, और सुब्रमण्य स्वामी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भगा देना चाहिए। आप देख लीजिए दैट अभी आपने सुब्रमण्य स्वामी ने जो कहा उस पर थोड़ा गौर फरमाएं कि ही इज नॉट विलिंग टू रेस्ट। अब वो ये तैयार नहीं है कि बीजेपी सोचे कि हाँ हमने कर्नाटका जीत लिया तो हम राहुल गांधी को वी शुड टेक हिम ईजी। नहीं, ये मीडिया सब हम लोग मखौल वगैरह कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज बीजेपी जो है गांधी फैमिली को कभी भी लाइटली नहीं लेगी, वो हमेशा इस डर में रहेगी कि कभी इनका रिसर्जेंस हो सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा कि इंडिया शाइनिंग को हमने सोचा था, इंडिया शाइनिंग, और कभी भी कांग्रेस वापस नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस वापस आई। इसलिए एक माइंड ब्लॉक है, अर्ली इलेक्शंस करेंगे। आपने ये सवाल उठाया कि क्या अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, एक माइंड ब्लॉक है बीजेपी के माइंड में कि अगर हम अर्ली इलेक्शंस करें तो शायद वही हाल हो जो वाजपेयी जी का हुआ और इलेक्शन हारे। जैसे कांग्रेस जो है वो घास की तरह है, घास कभी भी कहीं भी उग के आ जाती है, जैसे आपने कहा कि जैसे उन्होंने घास वापस आ जाती है। जैसे डीटीसी बसों में हम एक बस पास लेके घूमते थे ना, कहीं पे भी कहीं भी जा सकते हैं। एक लाइन में कहूं तो वही बिना संगठन का कांग्रेस ने जीना सीख लिया है कि संगठन नहीं है लेकिन साइन वोट के आधार पर कांग्रेस काम कर रही है। और जो आपने उसमें में कहा था कि ये जो वैक्यूम बना है विपक्ष का, वो विपक्ष का इसलिए वैक्यूम बना कि हम कांग्रेस सिस्टम में काम कर रहे थे, तो कांग्रेस से उपजी हुई पार्टियां एक ही प्रकार के विचार सिद्धांत, एक ही प्रकार के नेतृत्व के दृष्टिकोण को लेकर जीती थी। तो डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस इज डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। ये सेफरन सिस्टम आया है तो नए प्रकार की विपक्ष की उत्पत्ति होगी, इसमें लगभग 10 साल का समय लगेगा आपको एक नए प्रकार के विपक्ष। 5 साल और चाहिए। हाँ, ये सेफरन सिस्टम का विपक्ष होगा, जिनकी जैसे कांग्रेस सिस्टम में पार्टी और विपक्ष एक जैसी सूरत की होती थी, शायद यहाँ भी वैसी ही कोई मॉडल।
में देखेंगे। जी ये बहुत सारे लोगों को जो कह रहे हैं राकेश जी, बड़ा अनकंफर्टेबल कर देगा ये कि नया सिस्टम सेफरन सिस्टम में लोग नहीं रह पाएंगे, और स्पेशली जो हमारा जो क्रीमी लेयर है वो तो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा इसके बाद। शिवसेना क्या करेगा? सही कह रही है, शिवसेना क्या करेगा? एक सर्टेन डाउट और मिसकंसेप्शन शुरू से है लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो किस तरह की सरकार यहाँ पर बनेगी। मेरे ख्याल में चार साल में मोदी जी ने तो ये करके दिखा दिया कि वो कोई नॉविस नहीं है पॉलिटिक्स में, और उन राज्यों को भी उन्होंने जीता जहाँ अमूमन लोग सोचते थे कि यहाँ पर बीजेपी की पहुँच नहीं जा पाएगी। दक्षिण में सिर्फ एक कर्नाटका था जहां पर बीजेपी ने अपना मतलब अब सरकार जमाया अब, था। अब कर्नाटक में भी सांभर और डोसा और उसकी जगह ढोकला खाया जाएगा। हाँ, ढोकला तो जरूर मिलेगा, अभी भी मिल रहा है काफी साउथ इंडियन स्टेट्स में। गुजराती फूड जो है, आई मीन इट्स अ वेरी पॉपुलर फूड, कर्नाटका में हर किस्म का खाना मिलता है। इट्स एसेंशियली अ स्नैक, जो भी हाँ इट्स एसेंशियली अ स्नैक। गुजराती डोंट हैव अ प्रॉपर मील, खाकरा ये ढोकला खाकरा ये सब दे आर ये स्मॉल ही स्नैक। और जो इडली जो है वो स्नैकिंग फूड है। मील्स जैसे रूबिका जब मैसूर गई थी तो देखा होगा उन्होंने कि डोसा इडली सिर्फ स्नैक के टाइम मिलता है, जो खाने का वक्त होता है वो सिर्फ भात मतलब चावल सांबर रसम ये सब चलता है वहाँ पर। रागी मुद्दे जो कहते हैं, रागी जो है जो देवेगौड़ा का फेवरेट है, शायद वो आज बैठ के लंच में वो ही कर रहे होंगे। बिल्कुल अमित प्रकाश का रुख करते हैं, वो वहीं पर मौजूद है कर्नाटका में, और इनफैक्ट वो बीजेपी दफ्तर के बाहर है। सीधा उनका रुख करते हैं, जश्न की कुछ तस्वीरें आ रही है। अमित क्या दिखाएंगे आज आप वहां से? देखिए 2019 से पहले एक और लिटमस टेस्ट पास किया है बीजेपी ने, जैसे शुरुआती रुझान बता रहे हैं। हम सीधा आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं, एक ठीक बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने एक बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे हम हैं, और वहाँ से एक टॉप एंगल तस्वीर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ हर बदलते मिनट में यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा होती जा रही है, जो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अब जिस जीत की उन्होंने उम्मीद की थी। और एक बात और भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हों या फिर येदियुरप्पा हों, किसी की भी तस्वीर का कटआउट जो है वो छोटा नहीं है, सबको बराबर दिखाया गया उन कटआउट्स में जो लोग यहाँ लेके पहुँचे हैं। और सिर्फ कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, यहाँ एक बात ये भी जान लीजिए, कर्नाटक के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से भी बीजेपी समर्थक यहाँ पहुँच गए हैं और धीरे धीरे पहुँच भी रहे हैं। इसलिए ये एक ऐसा चौराहा है जहाँ चारों तरफ से ट्रैफिक आता है, इसलिए आपको ज़रा ये तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे कि बैरिकेडिंग अभी से ही कर दी गई है, क्योंकि गाड़ियों की कतार अब यहाँ बीतते वक्त के साथ और लंबी होती जा रही है। तो सुबह से लेके अब तक तीन बार जो ट्रेंड चेंज हुए हैं, उस बदलते ट्रेंड के बाद अब जो रुझान है, उस रुझान के बाद की ये ताज़ा तस्वीरें हैं बीजेपी ऑफिस के ठीक सामने से। हमारे बाल मोदी और बाल राहुल आपको नजर आ रहे हैं, और कर्नाटक विजयी के बाद ये देखिए बाल मोदी भंगड़ा करते हुए, जो स्मिता प्रकाश कह के गई थी कि ये हमारा शावा होता है। रूबिका अपने दर्शकों को बता दें कि वैसे तो राजनीति बहुत गंभीर विषय माना जाता है, राजनीति में क्रिएटिविटी की जो है बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस बार का जो हमारा पूरा कैंपेन था जी न्यूज का, वो थोड़ा अलग तरीके का था। उसमें हमने एक बाल नरेंद्र को लिया था, यानी बाल नरेंद्र मोदी और बाल राहुल गांधी दोनों को लिया था, और ये उसी कैंपेन का एक हिस्सा है कि अगर अभी दोनों के जो